इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडीवीडी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एंटीवेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक गुरुत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट के बारे में, जानेंगे एलर्जी को पहचानने वाला क्या ब्लड टेस्ट होता है, उसके नाम क्या है, उसके नॉर्मल रेंज क्या है, उसको हाई रहने से क्या हो सकता है, इसके लो रहने से क्या हो सकता है, किन कंडीशन में किया जाता है, इसको करने का प्रिकॉशंस क्या है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ाइए। आज बात करेंगे IgE टेस्ट, यानी जिसके फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन ई टेस्ट, जिसको एलर्जी टेस्ट के नाम से हम लोगों के पास परिचित है, एलर्जी टेस्ट कहा जाता है जिसको, एलर्जी को पहचानने के लिए। यानी आपके शरीर में अस्थमा हो, या बहुत ज़्यादा खुजली चल रहे हो, या स्किन रैसेस हो रहा हो, रिंग वार्म हो, चाहे आंखें लाल हो जा रहा हो, बहुत छींके आ रहा हो, बार बार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, और बार बार कुछ ना कुछ वजह से आपके कोल्डेट के प्रॉब्लम हो रहा हो, आपका हेयर लॉस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा शेर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा हो, कुछ निकल आ रहा हो, चाहे पिंपल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, तब डॉक्टर जांचने के बाद आपका IgE टेस्ट लिखता है, तब भी IgE का टेस्ट किया जाता है। मोटा मोटी सहज भाषा में आप जान लीजिए, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शंस हो या एलर्जिक प्रॉब्लम हो, उसको पहचानने के लिए IgE टेस्ट किया जाता है। IgE टेस्ट करने का कुछ प्रिकॉशंस नहीं है, आप कभी भी पेशेंट के सुविधा अनुसार खून ले सकते हो, उसके खून के सीरम के जाँच होते हैं, खाली पेट भी दिया जा सकता है और खाने के बाद भी दिया जा सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रही। लैब में ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसमें से सीरम सेपरेट किया जाता है, उसी सीरम को CLIA मेथड से IgE टेस्ट किया जाता है। IgE टेस्ट का कुछ प्रेफरेंस नॉर्मल रेंज है, जैसे कि हर लैब में चेंज हो सकता है, ये नॉर्मल रेंज रिएजेंट के अनुसार और मेथड के अनुसार इसके नॉर्मल रेंज चेंज हो सकता है। इसके जो प्रेफरेंस एक नॉर्मल रेंज है वो 0.3 से लेकर 198, इसके अंदर रहने से आपका IgE नॉर्मल है। आपका हाई रहने से एलर्जिक रिएक्शन है आपका शरीर में, कुछ भी वजह से आपका शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, चाहे मेडिसिन का एलर्जिक रिएक्शन हो, या कुछ खाना का एलर्जिक रिएक्शन हो, या आपका जो इनहेलेशन हो रहा है कुछ फूलों से एलर्जिक हो सकता है, आपके शरीर में कुछ भी कारण से एलर्जिक रिएक्शन है, उसके ट्रीटमेंट चाहिए, यही दर्शाता है IgE टेस्ट। इसको बच्चा से लाकर बुजुर्ग में सभी में टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है आपका शरीर में एलर्जिक रिएक्शन, कितने ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन है आपका शरीर में, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, कितने ज़्यादा एलर्जी है, उसको पहचानने के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था IgE टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।